अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पिज़्ज़ा डो बनाने की परफेक्ट रेसिपी। इस डो से आप बन भी बना सकते हैं, ब्रेड रोल भी बना सकते हैं और शवारमे की बेस भी बना सकते हैं। जो की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो मैदा। 1 किलो मैदे के यहाँ से जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं बताती हूँ। मैंने लिया है 1 चम्मच नमक का, 1 से 2 चम्मच दूध का जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे मैंने लिया है। इसके अलावा 1 से 2 बड़े चम्मच मैंने इंस्टेंट यीस्ट के लिए हैं, 1 से 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल के लिए हैं। क्या कर रही हूँ, मैं नमक डालूंगी, इसके साथ मैं इंस्टेंट यीस्ट डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। इसके साथ मैं डाल रही हूँ ऑयल और इसके साथ ही मैंने जो दूध लिया था 1 से 2 चम्मच वो डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि जितनी भी चीज़ें हैं वो मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। और जो आटा मैं ये गूंदूंगी उसके लिए मैंने लेना है नीम गर्म पानी, ना पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो। सारी चीज़ें जो है मैंने मिक्स कर ली हैं। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से गूंदूंगी। जो है हमारी डो बिल्कुल बन गई है। ठीक है, आपने इसे इस तरीके से जो है बिल्कुल नीट कर लेना है ताकि जितना भी आटा वगैरह लगा हुए वो आपका हो जाए ना। आपने डो को बहुत ज़्यादा सख्त गूंदें और ना बहुत ज़्यादा नरम गूंदें, इसकी कंसिस्टेंसी देखनी। ठीक है, इस तरीके से हम गूंदेंगे। अब इसे रेस्ट दूंगी, इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ऑयल, इसके नीचे भी हम लगाएंगे ऑयल। ठीक है, सारे बर्तन के ऊपर ताकि साइडों पे चिपके ना। जब ये डबल से 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी 1 से 2 घंटे के बाद कि इसकी जो फाइनल शेप है वो कैसी होगी। अब ये डबल हो गई। ठीक है, इसे हम दोबारा से जो है इस तरीके से ताकि इसके अंदर जितने भी बबल्स हैं वो सारे जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ। कभी भी यूज़ होती है इसे, अगर हम अपने बन बनाना चाहें हम इसे बन बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके हमें शॉर्मा बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबकी जो डो है वो इसका प्रोसेस एक ही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों से फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।